हेलो एवरीवन। तो हम लोग जून से लेके अगस्त तक के मैगजीन को कवर कर रहे थे। इकोनॉमी का चार टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। पांचवें टॉपिक में हम लोग आज हाथ डालने वाले हैं, तो यह है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये देखिएगा, तो ये करीब 4.5 पेजेस का है, तो एक वीडियो में इसको कम्प्लीट करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको दो वीडियोज़ में तोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक हमें कवर करना है वह है फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमई सेक्टर। हम लोग जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में लिक्विडिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको क्रेडिट नीड्स है, तो इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट को साइन किया है, और यह एग्रीमेंट है एग्रीमेंट फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम, और यह जो है ये $750 मिलियन का है, जिससे एमएसएमई दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है, मेन फोकस यही है। अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मैंने आपको बहुत बारी पढ़ाया है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इनका जो मतलब डिवीजन क्राइटेरिया है कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपका भी डिवीजन हो जाए। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है इनका एम ये है कि जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, 1.5 मिलियन वाइबल एमएसएमईज हैं, इनके ऊपर में कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो इनको इमीडिएट लिक्विडिटी और क्रेडिट नीड्स की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, तो लिक्विडिटी अनलॉक हो जाएगी, जिससे एमएसएमई सेक्टर के पास मनी आएगा, पैसा आएगा, साथ के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज एनबीएफसीज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इनकी भी हालत खराब है हम लोग जानते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी यहां पे सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे इनको इंक्लूसिव एक्सेस मिल जाए फाइनेंसिंग का, मतलब इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, यही फायदा यहां पे होने वाला है, और वर्ल्ड बैंक की इन्वॉल्वमेंट इसीलिए यहां पे है। ठीक है, इसके बाद यहां पे लोन बताया जा रहा है कि लोन की मेच्योरिटी पीरियड 19 ईयर्स होने वाली है, और इसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी होगा, मतलब 19 ईयर्स में अगर ये पेमेंट नहीं होता तो 5 साल का ग्रेस पीरियड भी मिल जाएगा उनको। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अभी तक, मतलब प्रेजेंट टाइम तक वर्ल्ड बैंक ने $2.75 बिलियन का सपोर्ट इंडिया को, इंडिया की इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए दिया गया है, और इसमें जो एमएसएमई नया जो एमएसएमई प्रोजेक्ट है उसको भी इंक्लूड किया गया हुआ है। ठीक है, तो इतना सारा अमाउंट जो है हमें वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट मिला हुआ है। याद रखिएगा कि यह फ्री का पैसा नहीं है, यह लोन है, इसको हमें वापस चुकाना पड़ेगा। तो अब हम लोग एमएसएमई से रिलेटेड ही कुछ न्यूज़ और देखेंगे। तो अब एमएसएमई को यहाँ पे नया नाम दिया गया है, इसको अब उद्यम बोला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने नोटिफिकेशन में बताया है कि अब एमएसएमई को उद्यम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह जो उद्यम है इसका मतलब एंटरप्राइज के बहुत ज़्यादा करीब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी चेंजेस किया जाएगा, और इसको अब उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है इसको ऑनलाइन फिलअप किया जा सकता है, और इसको सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि आपको डॉक्यूमेंट, पेपर या फिर सर्टिफिकेट या फिर प्रूफ को अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ डिक्लेरेशन पे काम चल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम चेंज हो गया एमएसएमई का, अब उद्यम इसको बोला जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है ग्रामोदय विकास योजना। ठीक है, अब ये जितने भी स्कीम्स मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ना, मतलब आपको इकोनॉमी में मिल रहा है, ये सारे स्कीम्स बहुत सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिसेंट के स्कीम्स हैं, और ये अगर देखिएगा तो मैं आपको स्कीम्स वाले सीरीज़ में आपको ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसीलिए इकोनॉमी में मिल रहा है ये सारी चीज़ें। तो मैं एक बारी क्या करूँगा, मैं लिस्ट आउट करके आपको मेरे चैनल पर बता दूंगा, ताकि आपको वहाँ पर पता चल जाए कि कौन से स्कीम्स कहाँ कहाँ पर कवर्ड हैं। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मैं ये करवा दूंगा आपको। तो अब ये ग्रामोदय विकास योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो रिसेंटली अप्रूव किया गया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा, ठीक है, एमएसएमई के द्वारा। तो इससे फायदा किनको होने वाला है, तो इससे उन आर्टिशंस को फायदा मिलेगा जो कि अगरबत्ती के मैन्युफैक्चरिंग में एक तरीके से ये इन्वॉल्व है। ठीक है, और साथ के साथ ये विलेज इंडस्ट्री को भी डेवलप करने का काम करेगा, इसी स्कीम के अंतर्गत ये भी किया जाएगा। यह स्कीम को डिजाइन किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन दैट इज KVIC के द्वारा, और ये PPP मोड पर चलेगा, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलेगा। अब KVIC क्या क्या काम करने वाली है, तो यह ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी आर्टिशंस को, यहाँ पे असिस्ट करेगी इस एरिया में काम करने का, और साथ के साथ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी प्रोवाइड करने का काम KVIC के थ्रू ही होगा। अब KVIC यहाँ पे 25% की सब्सिडी देगी ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीन, मतलब 100 रुपये का आइटम है तो 25% की सब्सिडी, मतलब उनको 75 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो 75% है, जो पैसा बचता है, वो आर्टिशन से मंथली इंस्टॉलमेंट पर वो एक्वायर करेंगे, वो लेंगी। ठीक है, तो ये भी एक फायदा हो गया, मतलब एक बारी में यहाँ पे जो भी आर्टिशन होंगे उनको एक बारी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा मशीन्स में, तो ये भी एक फायदा है। इसके अलावा रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है अगरबत्ती से रिलेटेड, कि अगरबत्ती आइटम को इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड में डाल दिया है इन इंपोर्ट पॉलिसी। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड में डालने का मतलब क्या होता है, पर पहले इसको पढ़ लेते हैं कि अगरबत्ती को रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन इंपोर्ट पॉलिसी डाल दिया गया है। साथ के साथ राउंड बैम्बू स्टिक्स के ऊपर में जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको भी एनहांस कर दिया है 10% से 25%। हम लोग जानते हैं कि अगरबत्ती में राउंड बैम्बो स्टिक्स का इस्तेमाल होता है, तो इसके इंपोर्ट में भी इन्होंने जो मतलब ड्यूटी है उसको 10% से 25% कर दिया है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालने का मतलब क्या होता है, अगर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ऑफ इंपोर्ट्स में डाला जाता है तो इसका मतलब है कि जो इंपोर्टर होगा उस कमोडिटी का, उनको यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड दैट इज DGFT
से यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है आप कह सकते हो। तो इनसे यहाँ पे परमिशन लेने के बाद ही वो उस आइटम को इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है, बिना लाइसेंस के वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया, और साथ के साथ ड्यूटी तो बढ़ ही गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर हमें देखना है वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो यही हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने यहाँ पे कुछ एक स्कीम को लॉन्च किया है जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बल्क ड्रग्स का और मेडिकल डिवाइसेस का प्रमोट किया जा सके, एनहांस किया जा सके। तो इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा API, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या फिर बल्क ड्रग भी इसको बोला जाता है। तो यह बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट होता है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का जिसको मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम अभी हम लोग APIs जो हैं ये हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली चाइना से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे सरकार बेसिकली काम कर रही है जिससे API या फिर बल्क ड्रग जो है उसको हम लोग के कंट्री में ही बना लिया जाए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही कर लिया जाए, जिससे हमें बाहर के इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो प्रेजेंट टाइम पे देखिएगा तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इंडिया की है यह थर्ड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में बाई वॉल्यूम, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे मोर देन 200 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं अभी के टाइम पे हेविली डिपेंडेंट हैं ऑन इंपोर्ट्स ऑफ APIs, और यहाँ पे जो मैक्सिमम इंपोर्ट है अराउंड 68% ऑफ टोटल जो API का इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। रीज़न क्या है इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी का? तो लो प्रॉफिट मार्जिन पहली चीज़, दूसरी चीज़ चीपर इंपोर्ट्स है यहाँ पे चाइना से, जो भी आइटम्स आता है APIs आते हैं वो बहुत चीप पड़ते हैं। यहाँ पे इंसेंटिव्स भी नहीं है जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है हमारी कंट्री में। तो इन सब रीजंस के कारण डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर देखिएगा मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर की बात कही जाए तो इंडिया में यहां पे इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है मेडिकल डिवाइस सेक्टर में भी 86% के आसपास हो जाएगी, ठीक है। और जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड हमें मेडिकल डिवाइसेस चाहिए होते हैं उसको हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता है, ठीक है। 86% मतलब 100 आइटम्स अगर होंगे तो 100 में से 86 तो यहां पे इंपोर्टेड ही होते हैं। तो इन्हीं दो रीजंस के कारण सरकार ने यहाँ पे स्कीम कुछ एक स्कीम्स को लॉन्च किया है, ठीक है, जिससे यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है मेडिकल डिवाइसेस के केस में हो या फिर API के केस में हो या कम किया जा सके। अब जो स्कीम्स हम लोग देखने वाले हैं ये हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। तो अब हमें चार स्कीम्स को कवर करना है, और ये चारों स्कीम्स मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स स्कीम्स वाले सीरीज़ में मैंने आपको कवर करवाया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ऊपर से समझाऊंगा। पहले हम लोग मेडिकल डिवाइसेस को कवर कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो दो स्कीम्स हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला स्कीम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स, तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में बनाना है जिससे जो इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसको एक ग्लोबल लीडर बनाया जा सके। तो इस कारण से यहाँ पे चार मेडिकल डिवाइस पार्क्स को सेटअप करने की बात कही जा रही है, और इसके लिए यहां पे ग्रांट इन एड, दैट इज पैसा जो दिया जाएगा वह 100 करोड़ का दिया जाएगा हर एक मेडिकल डिवाइस पार्क को, ठीक है। तो यहां पे वन टाइम ग्रांट इन एड की बात कही जा रही है, और यहां पे यह प्रोवाइड किया जाएगा अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है तो उस केस में यहां पे 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बियर किया जाएगा, और इसके अलावा अगर यहां पे अदर स्टेट्स है तो 70% ऑफ द कॉस्ट को बियर किया जाएगा, तो यह ध्यान में रखिएगा। अब इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी होने वाली है? तो स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, जो कि एक लीगल एंटिटी होगी, और इसको सेटअप करने का काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेज जो से रिलेटेड जो नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेज, ठीक है। PLI स्कीम फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? तो यहाँ पे वही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मेडिकल डिवाइसेज का बूस्ट करने का काम करेंगे, और ये चार टारगेट सेगमेंट्स के ऊपर में फोकस करेगा। तो वो चार सेगमेंट्स कौन से हैं? तो कैंसर केयर एंड रेडियोथेरेपी, मेडिकल डिवाइसेज, इसके अलावा रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, इसके अलावा ये मेडिकल डिवाइसेज, मतलब कैंसर केयर थेरेपी से रिलेटेड, रेडियो थेरेपी से रिलेटेड, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग डिवाइस, मेडिकल डिवाइसेस। तो ये हो गए चार टारगेट सेगमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, और ये फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है ये 5 सालों के लिए दिया जाएगा जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके, साथ के साथ इस एरिया में, इस सेक्टर में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट भी किया जा सके। अब एलिजिबल कौन होंगे? तो एलिजिबिलिटी बेसिकली वो सारी कंपनीज होगी जो कि रजिस्टर्ड हैं इंडिया में और उनका नेटवर्थ जो है वो मोर देन 18 करोड़ है, तो यही कंपनी सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है? तो इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह सेक्टेरियल, मैनेजेरियल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे जो भी कंपनीज इन्वॉल्व होंगी उनको, ठीक है। तो ये हो गया।
तो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड स्कीम्स देख लिया, अब हम लोग बल्क ड्रग ड्रग पार्क से रिलेटेड स्कीम्स को देखेंगे। तो इसके इसमें यह बताया गया है, पहला स्कीम रहेगा स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो बल्क ड्रग पार्क्स को यहाँ पे इसके सेटिंग अप को प्रमोट किया जाएगा हमारी कंट्री में, जिससे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बनाया जा सके, डिज़ाइन किया जा सके। और यहाँ पे बताया गया, जैसे हम लोग चार मेडिकल डिवाइस पार्क्स बना रहे थे, यहाँ पे 3 बल्क ड्रग पार्क्स को बनाने की बात कही जा रही है। इसमें जो टोटल आउटले रहने वाला है वो है 3,000 करोड़ का, और इसमें जो मैक्सिमम ग्रांटी नेट एक बल्क ड्रग पार्क के लिए दिया जाएगा वो 1,000 करोड़ का है, तो ये ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ वन टाइम ग्रांटी नेट जो दिया जाएगा, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो उस या फिर हिली स्टेट्स हैं तो उस केस में 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया जाएगा, और अगर अदर स्टेट्स हैं तो उस केस में 70% का यहाँ पे एक तरीके से ग्रांटी नेट दिया जाएगा, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होने वाली है, तो स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होंगी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल KSMs, DIs एंड APIs, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो बेसिकली सेल्फ रिलायंस हम लोग अटेन करना चाहते हैं, और साथ के साथ इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करना चाहते हैं। कौन से एरियाज में, तो की स्टार्टिंग मटेरियल KSM के एरिया में, ड्रग इंटरमीडिएट्स के एरिया में, और इसके अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs के एरिया में। तो यहाँ पे फिस्कल इंसेंटिव्स जो है वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द सेल्स ऑफ 41 आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। 41 आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इसके ऊपर फिस्कल इंसेंटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा, और इसमें अराउंड 53 APIs भी इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। अब यह जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, यह 6 सालों के लिए दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू होने वाला है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका सारे स्कीम्स का डिस्कशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वह है अदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया गया है बाय माइटी। माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया, इनके द्वारा नोटिफाई किया गया है, ठीक है। लॉन्च किया एक तरीके से, यहाँ थोड़ा इंग्लिश इनका गड़बड़ सा है। बेसिकली ये स्कीम्स को नोटिफाई किया गया, आप ऐसे ही याद रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है, और इसमें जो आउटले इन्वॉल्व है वो 50,000 करोड़ का होने वाला है, ठीक है, 50,000 करोड़ का होने वाला है। इसका मेन फोकस क्या है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, जिससे वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन हो जाए, ठीक है। ग्लोबल हब बनाने की फोकस की गई है। तो अब यहाँ पे तीनों स्कीम्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्कीम रहने वाला है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसका मेन फोकस क्या होने वाला है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ये बूस्ट करना चाहता है, साथ के साथ लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट भी करना चाहता है यह स्कीम, ठीक है। और कौन से फील्ड में, तो जैसे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने में, और इसमें असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स भी शामिल हैं, ठीक है। हम लोग वैसे भी यहाँ पे अगर देखिएगा तो हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया हुआ है ऑलरेडी कि मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया के साथ रिलेट करने की बात कही जा रही है। तो इसमें यह एक कह सकते हैं यह स्कीम अच्छा साबित होगा, ठीक है। इसमें यहां पे इस स्कीम के अंतर्गत बताया गया है कि इंसेंटिव को भी एक्सटेंड किया जाएगा, और इंसेंटिव जो है यह 4-6% का होगा अगर यहां पे इंक्रीमेंटल सेल होता है गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया में, और यहां पे जो इंसेंटिव है यह 5 सालों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल सेल होता है कि जैसे कोई कंपनी यहां पे कुछ बनाती है, तो यहां पे वो सोच के चलती है कि मेरा इतना सामान बिकेगा, और उसमें जो उनका एक्स्ट्रा सामान बिक जाता है, मतलब एक्चुअल जो रियलाइजेशन होता है, एक्चुअल जो सेल्स होता है, उसको दोनों के बीच का यही डिफरेंस जो बेसिकली हो जाता है, यही इंक्रीमेंटल सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब बताया गया है कि प्लान पहले किया था इनिशियली इन्होंने कि यहाँ पे 10 फर्म्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इंसेंटिव जो देना था 10 फर्म्स को देंगे, 5 ग्लोबल फर्म्स को देंगे और 5 लोकल फर्म्स को देंगे। और मेन फोकस क्या है, तो मेन फोकस वही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक तरीके से बूस्ट देना और लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना इस फील्ड में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जिसको स्पेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, स्पेक्स किससे रिलेटेड है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना होगा। इसमें बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, और यह इंसेंटिव 25% ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है, जिससे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ईजिली किया जा सके डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन क्या होता है, अपस्ट्रीम वैल्यू चेन क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर लेवल पे जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं, तो उनको यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, और अपस्ट्रीम ऑर्गेनाइजर या फिर सप्लायर लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन दिखा देता हूँ।
तो यहाँ देख सकते हैं अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ सप्लाई चेन, इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन का सप्लायर और प्रोसेसर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप मैनेज किया जाता है वो आ जाता है इस सप्लाई चेन में अपस्ट्रीम पोर्शन में। डाउनस्ट्रीम पोर्शन में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स में जो इन्वॉल्व होते हैं जो फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये आपको कंज्यूमर लेवल पे हो गया और ये सप्लायर लेवल पे हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यही होता है। इसके बाद जो तीसरी स्कीम है वह है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 स्कीम भी बोला जाता है इसको। तो यह काम करेगा, क्या करेगा, तो यह बेसिकली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे कॉमन फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ को इस्तेमाल किया जा सके और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स जो मेजर वाले हैं वो अपना सप्लाई चेन के साथ में अपने यूनिट्स को इंडिया में हमारे सेटअप करें, जिससे हमारा ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो। तो क्लस्टर, बेसिकली क्लस्टर का मतलब यह हो जाता है कि कॉमन फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ को एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यही हो गया, यहाँ पे फोकस यहाँ हो गया और इससे फायदा वही होने वाला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो को यहीं तक, इस पॉइंट तक मुझे लगा था कि 20 मिनट्स के आसपास लगेगा, पर चूंकि 15 मिनट्स ही लगा है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्ट में जो मैंने प्लान बनाया था उसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीधा, तो एक ही वीडियो में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाता है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर BOT मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप IMG ने यहाँ पे कुछ एक चेंजेस को अप्रूव किया है और यह चेंजेस जो है ये मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट जो है यह प्राइवेटली फंडेड हाईवेज को बिल्ड करने में, बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और जो प्राइवेटली फंडेड हाईवेज हैं इसको BOT मॉडल पे बनाया जाता है, दैट इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर टोल मॉडल पे बनाया जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वह हाईवेज को बनाती हैं, फिर उसको ऑपरेट करने का काम वो करती हैं और यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके उसको सरकार को ट्रांसफर कर देती हैं। तो यहाँ पे टोल जो होता है वो कलेक्ट करती हैं जब वो ऑपरेशनल रहता है, तो यह बेसिकली इनके पास हाईवे जो प्राइवेट हाईवे कंपनीज होती है जो बना रही होती हैं उनको यहाँ पे मतलब दे दिया जाता है उस टाइम के लिए। ठीक है, तो BOT मॉडल को भी हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे, BOT मॉडल पढ़ेंगे, HAM पढ़ेंगे, ये सब सारे मॉडल्स को कवर करेंगे। तो अब ये जो चेंजेस हम लोगों ने अभी पढ़ा और जो यहाँ पे स्टेप्स लिया जा रहा है इंटर गवर्नमेंटल पैनल के द्वारा, तो इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 2011-12 की बात अगर देखिएगा तो BOT टोल मॉडल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और उस टाइम पे 96% ऑफ NHAI जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने भी हाईवेज बनाए जाते थे वो BOT टोल मॉडल पे ही रहते थे, 96% रहते थे। ठीक है, तो यह जो है 2011-12 में था, 2011-12 के बाद यहाँ पे लास्ट टू फिस्कल्स में देखिएगा, पिछले दो फिस्कल्स में यह ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, तो इस कारण से जो एग्जिस्टिंग MCA है, MCA जो इस्तेमाल किया जाता है BOT टोल प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें कई सारे इशूज़ थे उस टाइम, इस कारण से इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या किया गया, तो यहाँ पे NHAI जो है इसको, चूंकि यह वाला टोल मॉडल जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इस कारण से इनको शिफ्ट करना पड़ गया इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पे और साथ के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे। ठीक है, तो इन दोनों मॉडल्स को इन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया लास्ट टू फिस्कल्स में, देख सकते हैं। अब चूंकि EPC और HAM के ऊपर में काफी ज्यादा ओवर डिपेंडेंस होने लगा, तो इस कारण से NHAI के फाइनेंसिस के ऊपर में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ये सारे मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से यहां पे जरूरत पड़ी कि BOT मॉडल में कुछ एक चेंजेस किए जाएं जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फिर से अट्रैक्ट किया जा सके। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक की फीचर्स देखेंगे जो यहाँ पे मॉडल में बताया गया है और जो मतलब चेंजेस किया गया है, और साथ के साथ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है ऑफ द मॉडिफाइड MCA उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ स्टेप लिया गया है रिवाइज्ड रेवेन्यू असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है अब इस क्लॉज के अंतर्गत कि अब आने वाले समय में 5 सालों के अंतर्गत यहाँ पे, दैट इज इन एवरी 5 ईयर्स ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड के 5 सालों के अंतर्गत जो रेवेन्यू पोटेंशियल है प्रोजेक्ट का उसको रीअसेस किया जाएगा। पहले यह 10 सालों पर किया जाता था। ठीक है, तो अब इसको मतलब रिवाइज रेवेन्यू असेसमेंट जो है ये 5 सालों में किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लैंड एक्विजिशन के बारे में बताया गया है कि यहां पे अगर हाईवे प्रोजेक्ट को बनाना है तो उससे रिलेटेड जो वर्क ऑर्डर है उसको तभी इशू किया जाएगा जब यहां पे 90% ऑफ द लैंड जो है वो एक्वायर्ड हो जाए। ठीक है, जब तक यहां पे लैंड मिलेगा नहीं तब तक प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, या फिर वर्क ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, फाइनेंस नहीं, वर्क ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, लैंड आएगा तभी तो प्रोजेक्ट बनेगा ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब मान लेते हैं यहां पे डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो उसके लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड भी प्रोवाइड किया गया है। इससे फायदा क्या होगा, तो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड जो है इसको सेटअप किया जाएगा जिससे कंटिन्यूअस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और इसका एक और काम रहेगा कि यह जो भी डिस्प्यूट इनके पास आएगा उसको टाइमली रिड्रेस करेंगे विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंतर्गत रिड्रेस करेंगे। तो इससे चीज़ें जो है और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएंगी। तो ये 3 चेंजेस किए गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को पढ़ लेते हैं एक एक करके।
तो यहाँ पे टोटल चार मॉडल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला मॉडल है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर टोल मॉडल, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो इस मॉडल में क्या होता है कि जो रोड डेवलपर है वो क्या करता है, वो रोड का कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, और साथ के साथ यहाँ गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है इस रोड के कंस्ट्रक्शन में उसको वह टोल कलेक्शन से रिकवर कर सकती है, ठीक है। तो इस मॉडल में टोल कलेक्शन से उनको इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है, कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पे पेमेंट नहीं होता है डेवलपर को, और यहाँ जो भी यहाँ पे पैसा वो अर्न करना होता है उनको वो बेसिकली टोल कलेक्शन से वो अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। इसके बाद आता है बॉट एन्युइटी मॉडल। बॉट एन्युइटी मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, डेवलपर जो है वो हाईवे को बिल्ड करता है और उसको एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट करता है, जैसे 5 साल या 10 साल, ठीक है, फिर उसको वो वापस से गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर बैक करता है। अब गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे ही उसको जैसे ही जो रोड है उसका कॉमर्शियल ऑपरेशन लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद वह डेवलपर को पैसा देना स्टार्ट करता है, पेमेंट वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है, गवर्नमेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट पेमेंट दे रहा है डेवलपर को, पर यहाँ पे जो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर टोल मॉडल है इसमें यहाँ पे टोल से कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई पेमेंट नहीं इन्वॉल्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल है वह है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ ईपीसी मॉडल। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पूरी कॉस्ट है उसको बॉन्ड बियर करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करता है, बिड्स भी करवाता है, ठीक है, वो इट इन्वाइट्स बिड्स। और इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज वाले जितने भी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वह यहाँ पे आके अपना एक्सपर्टीज देते हैं, ठीक है, उनका खाली प्राइवेट प्लेयर्स का काम खाली एक्सपर्टीज देना होता है। जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट हो या फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो इसको गवर्नमेंट बियर करती है, और प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे मिनिमम पार्टिसिपेशन होता है, इनका सिर्फ पार्टिसिपेशन वही होता है कि इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज वो प्रोवाइड करते हैं ईपीसी मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया, और हम लोगों ने देखा था ईपीसी मॉडल को ही अभी लास्ट 2 फिस्कल्स में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो चूंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कॉस्ट बियर कर रही थी इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बनने लगा और एनएचआई के जो है उसके ऊपर में भी प्रेशर बनने लगा। इसके बाद जो आखिरी मॉडल है वह है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, जिसको HAMB बोलते हैं। तो हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल देख रहे हैं, नाम में ही हाइब्रिड है, तो ये बेसिकली मिक्स है BOT एन्युइटी मॉडल और EPC मॉडल का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वह 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करती है, और ये पहले 5 सालों के लिए देती है इन टर्म्स ऑफ एनुअल पेमेंट, ठीक है, एन्युइटी इसी को बोलते हैं, एनुअल पेमेंट्स यहाँ पे डेवलपर को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो भी रिमेनिंग पेमेंट है उसको यहाँ पे एसेट क्रिएशन के बेसिस पे दिया जाता है, और यहाँ पे डेवलपर का जैसा भी परफॉर्मेंस होता है उस बेसिस पे रिमेनिंग पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। तो चारों मॉडल आपके क्लियर हो गए, और चूंकि हम लोगों ने देखा कि ईपीसी मॉडल और HAMB मॉडल उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं था, इस कारण से यहां पे सरकार ने कुछ एक चेंजेस किए हैं बॉट, दैट इज बॉट टोल मॉडल में, ठीक है, दैट इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में। तो अब हम लोग अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। ये करीब 2 पेजेस में फैला हुआ है, तो मैंने सोचा था कि इसको अलग वीडियो में बनाऊंगा, पर यहाँ पे ही हम लोग कंटिन्यू करके कवर कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मतलब 35-40 मिनट का वीडियो हो जाए, पर ठीक है, इतना आप एक वीडियो में देख सकते हैं, 2 वीडियो को तोड़ के बनाने से बेटर है। चलिए फोकस करते हैं टॉपिक पे। तो हमारा जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहला टॉपिक है वो है नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ठीक है। लैंड बैंक सिस्टम है तो इसको आप एग्रीकल्चर से कंफ्यूज मत करिएगा, और GIS इन्वॉल्व है तो इसको साइंस एंड दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, यहाँ पे मत करिएगा कंफ्यूज, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसमें होने क्या वाला है, तो नेशनल GIS दैट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल लैंड बैंक सिस्टम को बनाया जाएगा। इसको डेवलप किया जा रहा है बाय इंटीग्रेटिंग इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विथ स्टेट GIS सिस्टम। तो स्टेट का एक GIS सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट करके बनाया जाएगा। अब दोनों सिस्टम जो इन्वॉल्व है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने यहाँ पे ISS पोर्टल, दैट इज इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को डेवलप किया है। यह एक GIS इनेबल्ड डेटाबेस है, जिस डेटाबेस में आपको इंडस्ट्रियल एरियाज और क्लस्टर्स मिलेंगे अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और इसको इसलिए अडॉप्ट किया, इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे एक कमिटेड अप्रोच यहाँ पे बनाया जा सके, जिससे जो भी रिसोर्स है उसका ऑप्टिमाइजेशन हो सके, ऑप्टिमल इस्तेमाल किया जा सके, इंडस्ट्रियल एरिया का अपग्रेडेशन किया जा सके और सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन किया जा सके। बेसिकली यहाँ रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल मेन फोकस यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। अब इसके बाद GIS क्या है, तो GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें यहाँ पे अर्थ में जो भी पोजीशंस हैं, अर्थ सरफेस से जो भी पोजीशंस हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कैप्चर, स्टोर, चेक और डिस्प्ले करने का काम करता है। तो GIS में यही हो गया। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके यहाँ पे नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च करने की बात कही जा रही है।
तो यह जो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका एम यह है कि यह लॉजिस्टिक्स, लैंड, रेलवे एंड एयर कनेक्टिविटी, टैक्स इंसेंटिव, ड्रेनेज सिस्टम, पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी इंडस्ट्रीज को। और यह सारी चीज़ें पोर्टल पर मिल जाएंगी और यहाँ पर जो भी डेटा दिया जा रहा है वो वेरियस इंडस्ट्रियल बेल्ट के बेसिस पर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, तो इन्वेस्टर्स को आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इंडस्ट्रियल बेल्ट उनके लिए सही है, तो पोर्टल से ही उनको सारा कुछ पता चल जाएगा। करंट टाइम पर अगर देखिएगा तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है इंडस्ट्रियल बेल्ट्स का, वो टोटल 6 स्टेट्स में मिल जाता है और ये 6 स्टेट्स का यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल बेल्ट का ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, टाइफैक भी इसको बोलते हैं। तो टाइफैक ने एक वाइट पेपर को रिलीज किया है, वाइट पेपर का मतलब होता है एक ऑथोरिटेटिव रिपोर्ट, ठीक है। तो ये ऑथोरिटेटिव रिपोर्ट जो है ये इन्होंने किस पे दिया है, तो फोकस इंटरवेंशंस फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के बाद में यहाँ पे मेक इन इंडिया को किस तरीके से हम लोग और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर यहाँ पे इन्होंने एक वाइट पेपर को रिलीज किया है। तो यह जो पेपर है इसके अंतर्गत आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स मिल जाएंगे, मार्केट ट्रेंड्स मिल जाएगा और यहां पे 5 सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा जो कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है पोस्ट कोविड-19 पीरियड, जिससे हमारे इंडिया को यहां पे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो मेन फोकस यही है पेपर का। अब यहां पे टाइफेक के बारे में पढ़ते हैं, टाइफेक क्या है। तो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल जो है यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। इसका फोकस क्या है, तो इसका मेन एम है कि टेक्नोलॉजी डोमेन पे यह काम करता है और इसके अलावा यह टेक्नोलॉजिकल ट्रैजेक्टरीज को भी एसेस करने का काम करता है और इनोवेशंस को सपोर्ट करता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पे असेसमेंट किया जाता है और यहाँ पे ट्रेंड्स वगैरह को और स्ट्रेंथ्स वगैरह को एक तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनोवेट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। तो इसका मेन फोकस यही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चुनौती, ठीक है। अब ये चुनौती वो वाला खैनी वाला चुनौती नहीं है, ये चुनौती अलग चीज़ है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस्ड अनइनहेबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, ठीक है। पूरा याद रखिएगा, चैलेंज हंट अंडर NGIS फॉर एडवांस्ड अनइनहेबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो यह एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और यह किसके अंतर्गत आता है, तो नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम के अंतर्गत आता है। इसका मेन फोकस क्या है, तो मेन फोकस है कि यहाँ पे जितने भी चैलेंजेस फेस किए गए हैं पोस्ट यहां पे पैंडेमिक के बीच में, दैट इज ड्यूरिंग द पैंडेमिक या फिर पोस्ट पैंडेमिक जो फेस किए जाएंगे, तो उस पर फोकस दिया जाना है स्पेशल। और यहां पे टीयर टू टाउन्स में काफी ज्यादा फोकस रहेगा और इनका मेन काम क्या रहेगा, तो जो भी चैलेंजेस हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स या फिर सॉल्यूशंस हैं उसको निकालना, ठीक है। तो यही आप यहां पे इस्तेमाल होने वाला है। और ये याद रखिएगा एक चीज कि यह जो NGIS है जो कि इन्वॉल्व होने वाला है इसमें, यह बेसिकली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आखिर है क्या, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो NGIS बेसिकली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्यूबेशन स्कीम है, ठीक है। ये NGIS क्या है, तो नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है, ठीक है। इसके अंतर्गत आ गया, इसका काम क्या है, तो इंडिया को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन के तौर पर बनाना, ठीक है, राइज करना, इसका मेन विजन है, यही ड्राइव करता है इसको, ठीक है। इसके अलावा जो चुनौती है इसका पर्टिकुलरली एम क्या है, तो यहाँ पे एम है कि अराउंड 300 स्टार्टअप्स को जो कि आइडेंटिफाइड एरियाज में काम कर रहे हैं उसको पहली चीज़ तो आइडेंटिफाई करना है और साथ के साथ फिर इनको सीड फंड प्रोवाइड करना है, ठीक है। मतलब इनिशियल कॉर्पस प्रोवाइड करना है 25 लाख का, अप टू 25 लाख तक का देना है और इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, स्टार्टअप्स को। तो जैसे इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, मेंटोरशिप दिया जाएगा, सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ वगैरह दिया जाएगा, जिससे वह इस जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए काम कर सकें, ठीक है। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है ये आखिर है क्या, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया बेसिकली एक सोसाइटी है जिसको 1991 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज MeitY के द्वारा किया गया था। इसका मेन फोकस है कि यह हमारी कंट्री में इनकरेज, प्रमोट और बूस्ट करने का काम करता है एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से सॉफ्टवेयर और भी ज़्यादा बाहर को जाएं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये MeitY के अंदर आता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है वह है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव ETI, ठीक है। इसका एम क्या है ETI का, तो ETI का एम है कि यह
अप्रोप्रिएट पॉलिसी चॉइसेस को रिकमेंड करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, साथ के साथ यह हेल्प करता है इन इन्फॉर्मिंग नेगोशिएटिंग कैपेसिटीज रिलेटेड टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रूल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे होते हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ को एड्रेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है जो भी पॉलिसी चॉइसेस हैं या फिर नेगोशिएटिंग कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका काम हो गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव का। अब ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है इसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि यह बहुत सारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को डिसरप्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, सिक्योरिटी में हो, सोशल इक्विटी में हो, या फिर ग्लोबल रिलेशंस में हो, ठीक है। तो ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, हम लोग इसके अंतर्गत कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI है, ठीक है, ब्लॉकचेन है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग यह जानते हैं कि इसके कारण ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इससे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में पॉजिटिव फर्क भी आएगा पर एम्प्लॉयमेंट में भी फर्क पहुंचेगा, क्योंकि हो सकता है अगर AI यूज़ करने लगे तो यहाँ पे जो लोग भी AI की जगह पे जो काम कर रहे थे इसके पहले उनकी जॉब चली जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आते हैं पार्टनर्स ऑफ ETI, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव में पार्टनर्स कौन से हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये हो गए, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आ जाता है, और साइंस पॉलिसी फोरम। तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC। NPC एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DPPIT के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। DPPIT क्या है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये हम लोग जानते हैं। इसका मेन काम क्या है, तो यह इंडिया में प्रोडक्टिविटी कल्चर को और भी ज़्यादा प्रमोट करने का काम करता है। यह एक ट्राइपेटाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्राइपेटाइट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट का, एम्प्लॉयर्स का और वर्कर्स ऑर्गेनाइज का, ठीक है। इस कारण से इसको ट्राइपेटाइट बोलते हैं। एनपीसी जो है यह एक कंस्टिट्यूएंट है टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का भी, ठीक है। तो इस कारण से हमें एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानना होगा, यह याद रखिएगा, यह टोक्यो बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। पहली चीज, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इंडिया एक इसका फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, जिसको निधि भी बोलते हैं। तो रिसेंटली निधि EIR ब्रोशर को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो निधि EIR ब्रोशर क्या है, तो निधि का फुल फॉर्म तो देख लिया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। EIR क्या है, तो एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस, ठीक है, EIR का मतलब ये होता है। तो इससे रिलेटेड एक ब्रोशर को लॉन्च किया गया है। तो अब यह EIR प्रोग्राम आखिर क्या है जो निधि के अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एस्पायरिंग और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे वह जिनके अंतर्गत बहुत ज्यादा मतलब पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। तो इसका फायदा क्या मिलेगा, तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे बडिंग या फिर एस्पायरिंग, तो उनको यहां पे उनके प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडिया को परस्यू करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब EIR प्रोग्राम के अंतर्गत यही चीज की जाएगी। अब निधि क्या है, तो निधि एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि जिसको पायनियर करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस प्रोग्राम को। और इसमें होना क्या है, तो यह बेसिकली आइडियाज और इनोवेशंस को नर्चर करने का काम करता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मेन फोकस है कि जो नॉलेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो स्टार्टअप्स हैं उनको सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करना, तो निधि का काम यही है। याद रखिएगा, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसी के द्वारा निधि EIR ब्रोशर लॉन्च किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रिपोर्ट, ठीक है। तो इसको, यह जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ये हम लोग जानते हैं कि यह एक इंडेक्स है जिसको वर्ल्ड बैंक प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है, ठीक है। तो रिसेंटली यह न्यूज़ में इसलिए बना हुआ था क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि कुछ एक इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे पाई गई हैं इन द डेटा यूज फॉर प्रिपेयरिंग EODB रैंकिंग। तो EODB की जो रैंकिंग हुई है उसमें जो डेटा इस्तेमाल किया है उसमें इरेगुलरिटीज़ थोड़ी पाई गई हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस कारण से हमें एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव मेजर क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि यह बिजनेस रेगुलेशंस और उनके इन्फोर्समेंट्स को मेजर करता है इन 119 इकोनॉमीज एंड सेलेक्टेड सिटीज, और यहां पे जो मेजरमेंट है यह सब नेशनल और रीजनल लेवल पे होता है, ठीक है, यह ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा यहां बताया जाता है कि यह इकोनॉमीज को एक तरीके से एनकरेज करने का काम करता है रैंकिंग के बेसिस पे, कि जिससे वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर सके और इसके अलावा मोर इफिशियंट रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर सके। इसके अलावा यहां पे आपको बहुत मेजरेबल बेंचमार्क्स भी मिल जाएंगे जो कि रिफॉर्म
के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब डेटा रहता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंतर्गत जो रैंकिंग रहती है उसको एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर्स एंड अदर जो पर्सन जो भी बिजनेस हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू गॉज द क्लाइमेट ऑफ ईच इकोनॉमी। जितनी भी इकोनॉमी हैं उसके क्लाइमेट को गॉज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि कौन सा उनके लिए बेटर होगा, कौन सा बेकार होगा। ठीक है, अब इंडिया ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया था और इंडिया यहाँ पे 14 प्लेसेस जंप करके 63rd पोजीशन पे पहुँच गया था अमॉन्ग 190 नेशंस इन द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020। ठीक है, तो 2020 वाले में 63rd पोजीशन पे था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये रैंकिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें 10 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा खासा डिटेल में कन्वर्ट तरीके से कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अमेंडमेंट्स इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स, दैट इज CSR रूल्स। ठीक है, CSR रूल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ने नोटिफाई किया है और इन्होंने CSR रूल्स में कुछ एक अमेंडमेंट्स किए हैं। तो अमेंडमेंट में क्या किया है, तो इन्होंने अब कंपनीज को अलाउ कर दिया है कि जो भी उनका CSR फंड है उसको अब R&D एक्टिविटीज़, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे नए वैक्सीन, नए ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस को बनाया जा सके। और ये आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने एक तरीके से परमिशन दे दी है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से स्टार्ट होगा, दैट इज 2020-21 से। अब यहां पे इसका फायदा क्या होने वाला है, तो जो इंडिया का एफर्ट्स है जिससे वह इफेक्टिव मेडिसिन और वैक्सीन बनाना चाहती है COVID-19 के लिए, तो उसको अच्छा खासा बूस्ट और पुश मिलेगा क्योंकि CSR फंड्स काफी ज्यादा होते हैं और यहां पे कंपनीज जो है ऑब्वियसली यहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि CSR में आखिर कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत यहाँ पे जो भी फर्म्स जिनका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो, या फिर जो भी कंपनीज जिनका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पुराने फाइनेंशियल ईयर में, तो इनको मैंडेटरी है कि वह अपना यहाँ पे जो एवरेज नेट प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का उसको 2% यहाँ पे देना होगा CSR। ठीक है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उनको अपने प्रॉफिट का 2% देना होगा पिछले 3 सालों का, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। और यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर का जो क्राइटेरियाज बताई गई हैं इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि CSR काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यह इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एस्पायर बनता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। तो इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो यह इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो iCAT, पहली चीज़ तो iCAT के बारे में देख लेते हैं। iCAT क्या है, तो iCAT जो है एक ऑटोमेटिव टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड R&D सर्विस प्रोवाइडर है जो कि NATRIP के एगिस में काम करता है, NATRIP के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन और R&D सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, NATRIP क्या है, तो नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया, ऑब्वियसली नाम से हम लोग समझ सकते हैं इसका काम क्या होने वाला है। तो अब हम लोग एस्पायर का जो की ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं, यह पोर्टल का क्या फंक्शनिंग है। तो यह बेसिकली इंडियन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को यहां पे यह फैसिलिटेट करता है जिससे वह सेल्फ रिलायंट बन जाए। और सेल्फ रिलायंट कैसे बनेंगे, तो इनोवेट करके, तो इसको जो भी यहां पे इंडस्ट्रीज हैं उनको इनोवेशन में मदद मिलती है और साथ के साथ जो भी ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करने में भी यहां पे मदद प्रोवाइड किया जाता है। यह एस्पायर के अंतर्गत दिया जाता है, एस्पायर पोर्टल के थ्रू दिया जाता है। और यहां पे बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स यहां पे इन्वॉल्व जो होते हैं फ्रॉम वेरियस एसोसिएटेड एवेन्यूज वो एक साथ इकट्ठा आकर यहां पे इनोवेशंस और अडॉप्शन में जो ग्लोबल प्रैक्टिसेज हैं उसको करने में मदद करते हैं। तो एस्पायर का यही काम है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो एस्पायर हम लोगों ने अभी कवर किया वो iCAT वाला एस्पायर था। एक और एस्पायर स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसका फुल फॉर्म है अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है और इसका काम है इनोवेशन मतलब करना, प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे आपको बेटर डिटेल मिल जाएगा कि एस्पायर क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रो इंडस्ट्री। तो इसमें आप देख सकते हैं न्यू जॉब का क्रिएशन, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को इंडिया में और भी ज़्यादा प्रमोट करना, ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, साथ के साथ जो भी यहाँ पे इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस है उसको प्रोवाइड करना और MSME सेक्टर में कॉम्पिटेटिवनेस को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये भी है, तो ये एस्पायर अलग है और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो एस्पायर अलग है, तो दोनों को अलग अलग है, तो दोनों को आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फाइनली जो हमारा आखिरी टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वह है सत्यभामा। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, तो यह एक पोर्टल है,
सत्यभामा पोर्टल। तो यह पोर्टल का काम क्या है, तो यह पोर्टल है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एडवांसमेंट्स। माइनिंग एडवांसमेंट्स में रिसर्च एंड पोर्टल के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यह पोर्टल को बनाया गया है। यह पोर्टल जो है इंटीग्रेटेड है एनजीओ दर्पण पोर्टल से, जो कि नीति आयोग का है, तो इस कारण से एनजीओ दर्पण भी पढ़ना पड़ेगा। तो एनजीओ दर्पण बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस, और इसके अलावा जो भी की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे एनजीओ दर्पण का इस्तेमाल करके ये जो एनजीओस या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट से बातचीत करके तो यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मतलब सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सत्यभामा पोर्टल के बारे में देखते हैं कि इसका काम क्या है, इसका एम क्या है। तो यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा यह ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल को भी अलाउ करता है, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स को भी अलाउ करता है, और इसके अलावा जो भी फंड्स और ग्रांट्स हैं उसका यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये डिजाइन, डेवलप और इंप्लीमेंट किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखना होगा। जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं नॉर्मली एनआईसी के द्वारा ही बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे आरोग्य सेतु भी बनाया गया है तो एनआईसी के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसी के साथ आपका जो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया, और जैसा कि मैंने कहा था कि 40 मिनट के आसपास का वीडियो होगा तो उतना ही हुआ है। ठीक है, तो आपके 48 पेजेस तक फिनिश हो गए, तो मतलब अब 10 पेजेस और बने हैं फिर आपका इकोनॉमी फिनिश हो जाएगा। तो अब चूंकि 10 पेजेस ही रहते हैं तो हो सकता है कि कल सुबह तक या कल दोपहर तक डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाए। फिर मैं सोच के बता दूंगा आपको कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक भी बचा हुआ है, तो मैं सोच समझ के आपको अपने हिसाब से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग अपने साइड से प्रेशर मत बनाइएगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है और मैं अपने हिसाब से ही थोड़ा काम करता हूं, तो बेटर तरीके से हो पाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनर्जी सेक्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।